हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका रूबीज किचन में। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ मटका आइसक्रीम की रेसिपी। और इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे। और इसका टेस्ट मार्केट के आइसक्रीम से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हाइजीनिक भी है। और इस आइसक्रीम को हम बिना गैस जलाए ही बनाएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। इसे घर पर बनाना बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो 3 बड़े चम्मच गर्म दूध में केसर के धागे मिक्स करके साइड में रख देंगे। अगर आपके पास केसर नहीं है तो इसकी जगह आप, मैं आगे बताऊंगी कि क्या ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर चीनी लिया है और साथ में 4 इलायची और ड्राई फ्रूट्स आप कम या ज़्यादा या जो आपके पास है आप वही यूज करें। पिस्ता, काजू और बादाम लिया है मैंने। और यहाँ पर मैंने आइसक्रीम को बनाने के लिए फ्रेश अमूल क्रीम का यूज किया। ये 250 ml का है। अमूल क्रीम हमें इसमें चिल्ड यूज़ करनी है, तो इसीलिए जब आप मार्केट से लेकर आए तो फ्रीज़र में 1 घंटा या अगर आप फ्रीज में रख रहे हैं तो 3 से 4 घंटे रख कर इसे चिल्ड कर ले पहले। चीनी और हरी इलायची का हम फाइन पाउडर बना लेंगे। इसके बाद इसमें हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, इसका भी हमें फाइन पाउडर ही बनाना है। तो पहले मैंने चीनी और हरी इलायची को पाउडर बनाया ताकि बाद में ड्राई फ्रूट्स अच्छे से पाउडर बन जाए, नहीं तो एक साथ दिक्कत हो जाता है कई बार हमें पाउडर बनाने में। और आप देख सकते हैं ये बहुत ही फाइन पाउडर बनकर रेडी हो चुका है। और हमें इसमें जितना चाहिए उतना यूज करेंगे, बाकी का स्टोर करके भी इसे रख सकते हैं, किसी और रेसिपी या आइसक्रीम बनाने में इसे यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है और ये चिल्ड है, इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था 30 मिनट्स के लिए। और यहाँ पर मैंने क्रीम लिया है जो हमने फ्रीज में पहले से ही इसे चिल्ड करके रखा है। और अब इसे मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के लिए आपके पास अगर इस तरीके से हैंड मिक्सर है तो इसका यूज करें, या जो दाल घोटनी होती है उसका भी आप यूज कर सकते हैं अगर आप इस टाइप का हैंड मिक्सर नहीं रखे हैं तो। मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो मैंने इलेक्ट्रिक बीटर से ही मिक्स किया है और इसीलिए मैंने आइस क्यूब का यूज़ नहीं किया है। बाउल के नीचे अगर आप हैंड मिक्सर से मिक्स कर रहे हो तो नीचे आप आइस क्यूब का यूज करें। हमारे यहाँ अभी गर्मियाँ पड़ी है, अगर आपके एरिया में भी गर्मी हो तो आप जब हैंड मिक्सर से इसे मिक्स करें तो बाउल के नीचे आप आइस क्यूब रख दें किसी प्लेट में, तब जाके आप हैंड मिक्सर से मिक्स करें। क्योंकि आप जब हैंड मिक्सर से मिक्स करेंगे तो ये 8 से 10 मिनट लग जाता है इसे मिक्स करने में, और इलेक्ट्रिक बीटर से बहुत ही जल्दी मिक्स हो जाता है। क्रीम अच्छे से मिक्स होने के बाद यहाँ पर जो हमने चीनी और ड्राई फ्रूट से पाउडर बनाया था यहाँ पर हाफ ऐड कर देंगे और आप बाकी का स्टोर करके रख लें। और इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और जो हमने केसर वाला दूध बनाया था उसे भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। और दूध हमारा बिल्कुल अब नॉर्मल हो चुका है तभी मैंने क्रीम में ऐड किया है। और अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप ड्राई फ्रूट कलर आते हैं तो उसमें से लेमन ड्राई फ्रूट कलर चुटकी भर यहाँ पर ऐड कर दें। फूड कलर ऐड करने का पर्पस बस हल्का सा येलो दिखेगा, आइसक्रीम हमारा बिल्कुल मार्केट के आइसक्रीम जैसा दिखे। अगर आप स्किप करना चाहते हैं फूड कलर तो उसे भी आप स्किप कर सकते हैं, बस कलर आपका मार्केट जैसा या हल्का सा लेमन कलर नहीं आएगा। आइसक्रीम को सेट करने के लिए मैंने चाय के कप मिट्टी वाले और दूध का जो मग होता है उसे यूज किया है। आप घर के किसी भी चाय के कप या ग्लास या आपके पास आइसक्रीम मोल्ड हो उसमें भी सेट कर सकते हैं या डिस्पोजल में भी। और इसे आप सेट करेंगे तो सेट करने के लिए आप किसी चमचा या बर्तन से इसे थोड़ा थोड़ा मग में डालते जाएं और कप में भरते जाएंगे। और इसे बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इसका टेस्ट एक बार अगर बना लेंगे तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। और आप देख सकते हैं 250 ml अमूल फ्रेश क्रीम से कितने सारे आइसक्रीम बनके रेडी हो चुके हैं। और इसे मैंने अब ऊपर से गार्निश कर दिया है। तो गार्निश के लिए मैंने बारीक कटे हुए पिस्ता, बादाम और केसर के कुछ धागे डाल दिए हैं और इसे अब ऊपर से अच्छे से कवर कर देंगे जिससे इसमें स्टरलाइज नहीं हो। आइसक्रीम को अच्छे से कवर करना इसका मेन पार्ट है। अगर आप आइसक्रीम को कवर अच्छे से नहीं करेंगे तो आइसक्रीम में अंदर क्रिस्टल बन जाएगा। और अब इसे 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। और 8 घंटे के बाद आप देख सकते हैं फ्रीज़र से मैंने बाहर निकाल लिया है और ये कितना अच्छे से सेट हो गया है। और मैंने इसे बच्चों के वीकेंड यानी कि लास्ट संडे को बनाया था, तो आप इसे बच्चों को बनाकर हाइजीनिक तरीके से घर पर दे सकते हैं।
मेरे बच्चों को ये आइसक्रीम बहुत ही अच्छी लगी थी और नेक्स्ट वीकेंड के लिए डिमांड वापस से आ गई है। इस आइसक्रीम में क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं बने हैं फ्रेंड्स, और आप इसे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। इसका टेस्ट और टेक्सचर बहुत ही डिफरेंट आता है और आइसक्रीम से। सो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो और रेसिपी आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में।